नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और मैं हूं आपके साथ सोनू पांडे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। उद्योग मंत्री ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण, चुनावी वादे को प्राथमिकता से निभाने की कही बात। सड़क सुरक्षा डे पर जागरूकता कार्यक्रम, रैली के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन, 147 संभागी प्राप्त कर रहे थे प्रशिक्षण। मतगणना के लिए कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण, मतों की गिनती का दिखाया गया डेमो। विधायक ने किया नहर का निरीक्षण, समय अनुसार पानी उपलब्ध कराने की कही बात। अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात राजस्थान के महारिया इलाके की, जहां उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने स्थानीय विधायक विकास कोष से कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महारिया ग्राम पंचायत में जल संचयन के लिहाज से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किए गए तालाब के जीर्णोद्वार और उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए सांस्कृतिक मंच विकास कार्यों के साथ ही इलाके के कई अन्य विकास कार्यों का विधिवत लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसादी लाल ने कहा कि उनके द्वारा जो चुनाव में वादे किए गए थे, उन सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। साथ ही जनता द्वारा बताए जा रहे विकास कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ गति देने का कार्य किया जा रहा है। दोबारा चुनाव जीत के लिए जाता है, तीसरी बार मंत्री बनाया, ये आप लोगों की कृपा, रिश्वत की मेहरबानी और मेरी पूरी निष्ठा से ईमानदारी का हथियार मैंने बनाया। अभी करीब 100 प्रिंसिपल और लेक्चरर के ट्रांसफर हुए हैं। मेरी उनसे यही अपेक्षा है, आपको लोकल जानकर लाल चोट में लगाया है, आप अच्छी सेवा करो, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करो, बच्चे अच्छे काबिल बने। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान के लालसोट इलाके की, जहां गाजे बाजे और श्रीराम के जयकारों के साथ वानर राज की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान राम भक्तों ने वानर राज वानर को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। बता दें कि सड़क हादसे का शिकार हुए वानर राज का भारतीय परंपरा के अनुसार गौ सेवकों ने श्रीराम के जयकारों के साथ राम भक्त हनुमान की शव यात्रा निकाली थी। शव यात्रा के दौरान समाज सेवी राम अवतार जोरवाल, हेमलता मीना, डॉक्टर ज्योति प्रकाश मीना सहित कई अन्य महिलाएं भी मौजूद रहीं। अगली खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ इलाके से है, जहां सड़क सुरक्षा डे के अवसर पर प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट चौराहे से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे एडीएम मुकेश कलाल, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जगदीश चंद्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच शहर भर में रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा डे के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, जहां दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग की प्रमुखता के साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों के पालन के बारे में जानकारी दी गई। ये आज वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे है, उसमें सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग मारे जाते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको याद किया जाता है। आज के दिन पूरे विश्व में ये वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। आज इसमें अभी तो रैली निकाली जाएगी, दिन भर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, शाम को है ना जो कैंडल मार्च का कार्यक्रम, तो राजकीय कार्यालय या सेमी गवर्नमेंट कार्यालय या उपक्रम है उनके कर्मचारी अधिकारी सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। अगली खबर राजस्थान के धरियाबाद नगर से है, जहां मिडिल स्कूल में ब्लॉक स्तरीय 5 दिवसीय तृतीय चरण निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम आयोजित की गई। ज्ञात हो कि इस प्रशिक्षण शिविर में 147 संभागी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सभी शिक्षक बंधु प्रशिक्षण में प्राप्त नवाचार विद्याओं का प्रयोग ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक अपने अपने विद्यालयों में बालक बालिकाओं के अध्ययन अध्यापन में करेंगे। अगली खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ इलाके से है, जहां डीआरडीए सभागार में एडीएम मुकेश कुमार कलाल तथा एसडीएम तेजस्वी राणा ने नगर परिषद चुनाव की मतगणना के लिए कर्मचारियों को अंतिम प्रशिक्षण दिया। इस दौरान किस प्रकार से ईवीएम मशीन को खोलकर मतों की गिनती सामने आती है,
इसका डेमो दिखाया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कलाल ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले की दो नगर पालिका और चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के लिए मतगणना कराई जाएगी। जो मतगणना दल है हमारे, उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग की जा रही है। चित्तौड़ के साथ साथ में रावतबाटा के मतगणना दल की ट्रेनिंग रावतबाटा में हो रही है, लिम्बाड़ा में हो रही है। और हमारे यहाँ पर दो पार्ट हम रखे हैं, एक तो थ्योरिटिकल पार्ट है तो दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट है, जो हैंड्स ऑन कर रहे हैं ईवीएम मशीन के द्वारा कि किस प्रकार से ईवीएम जो सीयू है तो उसको कैसे खोलना है, सील कैसे खोलनी है और उस पर डिस्प्ले होगा और डिस्प्ले को कैसे हमको देखना है। अगली खबर राजस्थान के जवाई बांध इलाके की है, जहां वन्य जीव प्रेमियों और रेस्क्यू टीम के सदस्यों द्वारा पर्यावरण सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान आसपास में फैले कचड़े, प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक रैपर्स और प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा कर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। इस अवसर पर ओमवीर धवल, उत्तम चौहान सहित कई वन्य जीव प्रेमी मौजूद रहे। अगली खबर राजस्थान के आहोर इलाके से है, जहां विधायक छगन सिंह ने विधानसभा के कई इलाकों में नहर का निरीक्षण किया, जहां किसानों द्वारा टाइम से पानी नहीं आने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अभियंता को पर्याप्त गेज और समयानुसार पानी उपलब्ध कराने के लिए समुचित व्यवस्था कराए जाने के आदेश दिए गए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र खबर के साथ।